जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, आज हम हनुमत ज्योतिष केंद्र के माध्यम से पुनः एक आमने सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही रोचक। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में होय माया। तो आज हम प्रथम सुख के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि सारे सुखों का महत्व जो है जब ही है जब जो है शरीर निरोग हो, शरीर स्वस्थ हो। अगर शरीर अस्वस्थ रहेगा, शरीर में जान नहीं रहेगी, मन बेचैन रहेगा, तो कोई भी सुख जो है हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा, उस सुख की जो है पूर्णता अनुभूति नहीं होगी। तो इस सुख को जानने के लिए सर्वप्रथम जो है हमें आवश्यकता है ग्रहों के विषय में जानना, भाव के विषय में जानना, राशि के विषय में जानना। क्यों? तो ग्रह भाव राशि स्थान के अनुसार जो है प्रभाव करते हैं, उसी के अनुसार रोग आदि की जो है स्थिति बनती है। तो जब हम इसको जानेंगे कि कौन सा ग्रह किस रोग का कारक है, कौन से ग्रह का क्या स्वभाव है, किस विभाग में किसका कितना अधिकार है, इस विषय को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो रोग के निदान करने में हमें जो है आसानी होगी। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम सूर्य की चर्चा करते हैं। सूर्य अग्नि तत्व है, ये मध्यम कद है और शुष्क ग्रह है। इसका प्रभाव व्यक्ति के संपूर्ण शरीर पर होता है, क्योंकि एक आत्मकारक ग्रह भी होता है, इसलिए जो है इसका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर होता है, पुरुष के दाई आंख में और स्त्री के जो है बाई आंख में। साथ में जो है आयु, अस्थि, सिर, हृदय, प्राण शक्ति, मेद, रक्त तथा पित्त में इसका प्रभाव रहता है। सूर्य यदि बलवान हो तो उस व्यक्ति की जो है हड्डी अस्थि जो है मजबूत होगी तथा जो है शरीर से वह व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। और सूर्य यदि जो है अशुभ हो, भाव प्रभावी हो, अरिष्ट स्थानों पर हो, तो उसे जो है तो क्षय रोग, पित्त प्रकोप, नेत्र पीड़ा, अस्थि सिर से संबंधित रोग, हृदय तथा चर्म रोग, उष्णवात, ज्वर, मूर्छा की शिकायत, रक्तस्राव, मिर्गी, सूल आदि रोग जो है तो संभावित। इसी क्रम में अगर हम चंद्र की चर्चा करें तो जैसे सब लोग जानते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा की उत्पत्ति जो है मन से हुई है, तो ये मन का कारक हुआ। जल तत्व है इसका, दीर्घ काय है और एक जलीय ग्रह है। पुरुष के बाईं आंख के ऊपर और स्त्री के दाहिने आंख में इसका प्रभाव विशेष होता है। और भी वक्ष में, फेफड़े में, मन में, मस्तिष्क में, उदर में, मूत्राशय, रक्तस्राव तथा रस धातुओं में, शरीर की पौष्टिकता में और कफ में, यहां जो है इसका प्रभाव होता है। यदि ये बलवान हो तो शरीर में जो है रक्त संचार अच्छा होगा, रक्त संचार में बाधाएं नहीं आएंगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन सुंदर रहेगा, आत्मबल बना रहेगा, मनोबल की वृद्धि होगी। किंतु यदि जो है ये अनिष्ट हो, अशुभ हो, पाप प्रभावी हो, कमजोर हो, तो जो है ये कप की प्रवृत्ति को बनाएगा, अनिष्ट क्षण क्षण में, पल पल में जो है तो उत्पन्न कराएगा। मूत्र विकार होगा, जलोदर होगा, मुख से संबंधित रोग, नासिका, पांडु रोग, क्षय रोग, मंदाग्नि, स्त्री संसर्ग से उत्पन्न होने वाले रोग, प्रदर, अपस्मार, बाद श्लेष्मा तथा जो है मानसिक रोग, ये सब जो है ये उत्पन्न करेगा। और अगर हम जो है मंगल की चर्चा करें तो जैसे सब जानते हैं मंगल सत्व का देवता है, पराक्रम का देवता है, ग्रहों में सेनापति है,
तो व्यक्ति को पराक्रमी होने के लिए मंगल को मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। यह अग्नि तत्व है, छोटे कद का है, शुष्क है और लाल रंग का ग्रह। शरीर में इसका प्रभाव सत्व में तो होता ही होता है, पराक्रम में तो होता ही होता है, लेकिन कपाल में, कान में, स्नायु में, जनेन्द्रिय में, मज्जा में, पुष्टों की मजबूती में, उनकी पुष्टता में, शारीरिक शक्ति में, दाह, शोध, धैर्य, पित्त आदि क्षेत्र को जो है यह प्रभावित करता है। स्त्री पुरुष के जो है दोनों के गुप्त अंगों में भी मंगल का प्रभाव होता है। मंगल यदि मजबूत होता है तो हड्डी मजबूत होती है, शरीर में ताकत बनी रहती है और प्रतिशोध की शक्ति जो है बनी रहती है, प्रतिशोध की शक्ति बढ़ जाती है, उसका धैर्य बना रहता है, मनोबल बना रहता है। और मंगल यदि दुर्बल हो, कमजोर हो, तो अनिष्ट की संभावनाएं होती हैं, चोट चपेट की संभावनाएं होती हैं, रक्त विकार होता है, फोड़े, फुंसी, खाज, दाद, सूजन, रक्तस्राव, कुष्ठ रोग, ज्वरबात, पित्त विकार और महामारी जैसे रोग, इनसे उत्पन्न होने वाले रोग, किसी दुर्घटना से हानि, गुप्त रोग, अग्निदाह, अंडकोश वृद्धि तथा जो है ऐसे व्यक्ति को शल्य क्रिया भी करानी पड़ती है। यह जो है मंगल से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। मित्रों, यदि इसी क्रम में जो है हम बुध की चर्चा करें तो बुध ग्रहों में राजकुमार है। हाँ, इसका पृथ्वी तत्व है और साधारण कद है इसका, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, हरे रंग का है, एक जली ग्रह है और शरीर में इसका जो है स्वर चक्र के ऊपर, श्वास नलिका के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर तथा मस्तिष्क के अगले भाग पर, फेफड़े पर, मज्जा, तंतु, बाल, मुख, हाथ, जिह्वा, त्रिधातु, इन क्षेत्रों को जो है प्रभावित करता है, इन क्षेत्रों में इसका प्रभाव रखता है। बुध यदि जिसका बलवान हो, उसका मस्तिष्क पूर्ण विकसित होगा, वह बुद्धिवादी होगा और बहुत बुद्धिमान होगा, शिक्षा उसकी अच्छी होगी, व्यक्ति को जो है आकर्षण करने वाली जो है उसमें क्षमता होगी, किसी भी वस्तु को जो है प्रतिपादित करने की शक्ति बड़ी मोहक होगी। यह बुध का प्रभाव। किंतु यदि यह बुध दुर्बल हो, कमजोर हो, तो मूर्छा देगा, हिस्टीरिया जैसे रोग देगा, मानसिक रोग देगा, चक्कर आने लगेंगे, हाँ, निमोनिया, विषम ज्वर, त्रिदोष को उत्पन्न करता है, बात कफ पित्त से उत्पन्न होने वाले रोगों को उत्पन्न करता है, म्यादी बुखार इससे जो है उत्पन्न होती है, पांडु रोग, संग्रहणी, सूल, मंदाग्नि, गंड विकार, वाणी दोष, कंठ से रोग, गलकंठ आदि तथा नाचिका से संबंधित रोग, स्नायु पीड़ा, ये बुध जो है उत्पन्न करता है। तो मित्रों, आज हमने जो है सूर्य से लेकर के बुध तक के जो है ग्रहों के स्वभाव के ऊपर, इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के ऊपर चर्चा की है। जब कभी आवश्यकता समय मिलता है तो पुनः जो है शेष ग्रहों के ऊपर, इन ग्रहों से जो है क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं, क्या क्या प्रभाव होता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सबके जीवन में आनंद हो, मंगल हो, बांके बिहारी की कृपा बनी रहे। हमारे चैनल को जो है तो देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।